व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी मैं थोड़ी थोड़ी स्केचिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने दो चीज़ें ली है। सबसे पहले है ये ब्लेंडिंग स्टंप्स और ये है आर्ट लाइन की पेंसिल, जो कि ये HP 2B3 6B 4B जो पेंसिल आती है वो, और ये है ब्लेंडिंग स्टंप्स। सो आज मैं ये दोनों चीज़ों का अनबॉक्सिंग करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ब्लेंडिंग स्टम्प्स का अनबॉक्सिंग करते हैं। सो बस इसको ऐसे ही खोल देना है, ऐसे करके, और ये निकल लिया। सबसे बढ़िया अनबॉक्सिंग मिलेगी कैसे आपको यहाँ पे देखने में, सबसे बढ़िया। देखो कितनी बढ़िया अनबॉक्सिंग करते हैं हम। पूरा डब्बा ही फाड़ दिया। सबसे बढ़िया अनबॉक्सिंग गाइस हमारी चैनल में मिलेगी। यहाँ पे ये दो डब्बे, तो ये है हमारे ब्लेंडिंग स्टंप्स। सो इसमें भी वैसे दो टाइप्स के हैं, एक है पेपर स्टंप्स, इसको हम पेपर स्टंप्स भी कहते हैं, और एक है टॉर्टिलियंस, यहाँ पे लिखा हुआ है अपर पर। तो सो इसमें से जो ये बड़े चार आपको दिख रहे हैं, ये दो तीन चार, वो है पेपर स्टंप्स, और ये जो तीन हैं वो है टॉर्टिलियंस, नाम ही कुछ ऐसा है। सो दोनों के बीच का मैं आपको डिफरेंस भी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सबके साइज़ की बात कर लेता हूँ। ये वाला जो मेरे पास सेट है वो है, सबसे पहले प्राइस उसकी है 180, और उसमें जो पेपर स्टंप्स है उसमें सबसे बड़े वाले की साइज़ है 12, फिर 10, फिर 8, और सबसे छोटे वाले 6, और इसमें जो है वो है 10, 8 और 6। अब दोनों के बीच का फ़र्क भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये वाला निकाला और ये वाला, ये है पेपर स्टंप और ये है टॉर्टिलियंस जो भी नाम है इसका। आप देख पा रहे हो ये पूरा ऐसा है। सो ये है पेपर स्टंप्स, इसका टेक्सचर आप देख पा रहे हो, और ये है टॉर्टिलियंस, ऐसे कुछ नाम है इसका। आप देखो कैमरा कैच नहीं कर पा रहा है, हाँ यहाँ से हो रहा था। सो इसमें बेसिकली टॉर्टिलियंस में वैसे फ़र्क ये है, सबसे पहला पेपर स्टंप्स में दोनों तरफ नहीं है और इसमें सिर्फ एक स्टार एक ही तरफ है। फिर पेपर स्टंप्स का टेक्सचर जब हम बहुत से पेपर को मिक्सर में डाल के जो एक नया पेपर जैसा बन जाता है वैसा है, लेकिन इसमें जब हम पेपर को रोल करके बनाते हैं एकदम वैसा टेक्सचर है, सिर्फ कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है, वही प्रॉब्लम है। और इसमें और जब हम ऐसे उसको शेडिंग करेंगे उसके बाद अगर हमें इसका निकालना हो ऊपर का, तो हम सैंड पेपर से थोड़ा सा रब करके निकाल सकते हैं। और इसमें यहाँ पे जो है पेपर टाइप ही है, तो उसको हम रिमूव करके कर सकते हैं, यानी इसके पीछे भी लिखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो पूरा लिखा हुआ है कि कौन से वाले में कौन सा यूज़ होगा, और वो सब कुछ पूरा लिखा हुआ है, आप पढ़ लो एक बार अगर आपको पढ़ना हो तो। सो अगर हमने पढ़ लिया तो अच्छा है, वरना जो ये पेपर स्टंप्स है वो जो है एक ट्रांजिशन ऑफ टोन, या एक ये जो है वो एक्चुअली में लार्ज एरिया के लिए काम आएगा, और ये एकदम फाइन डिटेल करने के लिए उसके लिए काम आएगा, ऐसा कुछ है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो एक बार आपको पूरा समझ आ जाएगा। और ये है ब्लेंडर कंपनी होगी आई गेस इसका नाम, या मॉन्टमार्टे, आई डोंट नो ना, शायद से मॉन्टमार्टे है कंपनी का नाम, क्योंकि यहाँ पे आर भी लिखा हुआ है ऊपर रिजर्व का। सो यही आई गेस नाम, तो वो है 7 पीसेस वाला जो कि है ये। सो आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये यूज़ करके भी दिखाऊंगा, यानी ये
अब हम आ जाते हैं आर्ट लाइन की पेंसिल पे। अब ये जो आर्ट लाइन की पेंसिल है वो अगर आप सौरभ जोशी सर को जानते हो जो कि आर्टिस्ट है, उनकी फेवरेट पेंसिल है अगर आप जानते हो तो। सो इसमें जो है वो एच बी से लेकर 10B तक की सारी पेंसिल्स हैं। ये एच बी, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। 10B सबसे ज़्यादा जो है वो डार्क होती है और एच बी सबसे ज़्यादा लाइट होती है। सो यही दो चीज़ें थी जो कि मैंने अभी अभी फिलहाल परचेज की है फॉर माय स्केचिंग एंड दैट। सो अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल रहा हो या अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और अगर शेयर करना चाहो शेयर भी कर सकते हो। सो अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।